नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। और आज अभी तक की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ तो बढ़ते हैं इसके बाद खबरों को। सबसे पहले बात गुमला की। गुमला के बैंक कॉलोनी में नकाबपोश अपराधियों ने एक परिवार को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। 40,000 कैश समेत 7 लाख के जेवरात लेकर फरार हुआ है। घटना रविवार रात 3 बजे की। इधर घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, हालात का जायजा लिया है। वही पीड़ित परिवार ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। तो देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां पर लूट के एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। 7 से 8 की संख्या में अपराधी आए हुए थे और उन्होंने हथियार के बल पर परिवार को बंधक बनाया और लूट के इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित परिवार ने अब थाने में मामला दर्ज कराया और पुलिस मौके पर पहुंचकर अब तफ्तीश में जुटी हुई है। फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची हुई है, तकनीकी टीम भी पुलिस के यहां पर मौजूद है और कई तरह के साक्ष्य हैं वो इस वक्त जुटाए जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको देखे दिखा रहे हैं, एक घर के परिवार को बंधक बनाकर लूट के इस वारदात को अंजाम दिया गया है। 7 से 8 की संख्या में ये अपराधी आए थे, 40,000 कैश और 7 लाख के लगभग का जेवर यहां से उड़ाया और फरार हो गए। 7 से 8 की संख्या में अपराधी थे और अब पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटी हुई है। जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला और अब तक पुलिस किस नतीजे पर पहुंची है, थोड़ी बहुत साक्षी या किसी तक कोई पहुंच। जानकारी देना चाहूंगा कि गुमला के पौष इलाके जो सबसे रहीस इलाका माना जाता है बैंक कॉलोनी, वहां 2 से 3 बजे की घटना 7-8 अपराधियों के द्वारा दिया गया है और 7 लाख रुपए के जेवर और लगभग 40,000 रुपए कैश ले गया है। जबकि अपराधियों के द्वारा ताला तोड़कर घर का घुसे और सबसे पहले घर के जो मालिक हैं प्रोफेसर नंद कुमार केसरी को बंधक बनाया हथियार के बल पर, उसके बाद में उसकी पत्नी और उसकी मां को भी बंधक बनाया, उसके बाद में लगभग 45 मिनट से 1 घंटे तक उन्होंने ये घटना लूट घटना को अंजाम दिया है। और वही पुलिस मामले को जानकारी हुई तो पहुंची हुई है और पुलिस पूरे मामले को जानकारी लेते हुए पूरे सीसीटीवी जो गुमले क्षेत्र में लगाए गए हैं पूरे सीसीटीवी को छान मार रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया किशोर हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। तो देखिए बड़ी घटना इस वक्त हम बता रहे हैं आपको गुमला में, जहां पर 7 से 8 की संख्या में अपराधियों ने एक परिवार को बंधक बनाया और कैश के साथ ही भारी मात्रा में जेवरात की भी चोरी कर ली है। उसके बाद बरामदा का ग्रिल का भी 2 लॉक जिसमें लगता है वो भी काट दिया। उस सामने का दरवाजा नहीं खुलने के कारण मेरे बाईं ओर का खिड़की का ग्रिल पूरी तरह से निकाल कर वो मेरे कमरे में आ गया और अचानक मेरा मुंह बंद करने लगा और गला पर हाथ रखा। हम चिल्लाए, चिल्लाने की कोशिश किए, चिल्लाए भी थोड़ा, लेकिन वो मुंह बंद कर दिया और बोला कि कुछ नहीं करेंगे, एकदम शांत रहिए। हाँ। और फिर हमको मेरा हाथ बांध दिया, हाथ दोनों नहीं, हाथ पैर नहीं बांधा, हाथ बांध के बोला कौन कौन घर में है। तो हम अपनी माँ के पास ले गए और माँ उसी समय बाथरूम जाना था, बाथरूम गई, बाथरूम से आई तो हाथ का कंगन गला का चेन और निकाल लिया और फिर हमको ऊपर ले गया। इसमें जो भी कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट के बयान के आधार पे जो है हम लोग केस रजिस्टर कर रहे हैं और उसमें जो भी उनके तरफ बताया गया है साक्ष्य, जो भी चीजें उन्होंने फेस की है उन सभी बिंदुओं पर हम अनुसंधान कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी हम लोग जो
जो ऐसे लोग जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार कर लेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।